हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया था। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यदि आपको स्टेटस चेक करना हो तो आप कैसे और किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। वेबसाइट पे दोस्तों आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती है। दोस्तों, आप अपने वर्क के हिसाब से यहाँ पे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन किए गए पीएम किसान का स्टेटस चेक करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल का पेंडिंग स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर सीएससी फार्मर लिखा होता है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। दोस्तों, इस पेज पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, फार्मर रजिस्टर्ड थ्रू सीएससी। दोस्तों, यहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन सीएससी के थ्रू या फिर पब्लिक पोर्टल के थ्रू आपने किया होता है, तो यहां पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं बाय आधार नंबर। दोस्तों, यहां पे जिसका भी रजिस्ट्रेशन आपने किया है दोस्तों, यहां पे उसका आधार कार्ड नंबर एंटर करना होता है। दोस्तों, आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, उसे यहां पे एंटर करना है। इसके बाद में दोस्तों कैप्चा को एज इट इज आपको कैप्चा वाले बॉक्स में फिलअप करना है। दोस्तों, यदि टाइम आउट होता है तो आप यहाँ पे कैप्चा रिफ्रेस करके रिटर्न तरीके से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको इजीली सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो भी पीएम किसान का जो स्टेटस है, जिस भी किसान का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपको टोटल सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पे पेंडिंग एंड अप्रूवल बाई स्टेटस जो है कि ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग दिखा रहा है। दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपने जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, लाइक आधार कार्ड, खेत की नकल और ये स्टेटस और बैंक अकाउंट पासबुक का हार्ड कॉपी प्रिंट कराना है, यानी जेरोक्स कराना है। उसके बाद में आपको नज़दीकी तहसील या ब्लॉक पर चला जाना है और वहाँ पे लेखपाल के यहाँ सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों ये काम करते हैं तो आपका एप्लीकेशन 7 से 15 दिन या कभी कभी एक महीने का टाइम लगता है और अप्रूवल कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप डिजिटली रूप से अप्रूवल करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों तक वेट करना होगा। दोस्तों, स्टेटस चेक करने का यही प्रोसेस है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।